वेलकम टू कैंप विजुअल। सो हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे संबलपुर यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। लास्ट ईयर 2019 में जो सब क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री एमएससी एंट्रेंस के, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। एंड एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे, एंड पार्ट वन का जो वीडियो है वो ऑलरेडी बन चुका है, उसको आप डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी मिल जाएगा उसको। एंड इसमें आपको क्वेश्चन में जो पीडीएफ है, क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैम विजुअल में आपका स्वागत है। एंड हम इस क्वेश्चन पर, इस वीडियो में जो हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करने जा रहे हैं, एंड मैं एक ही बात बोलूंगा यहाँ पे कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको जरूरी है। एंड यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उसको आप जान पाएंगे कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है फॉर संबलपुर यूनिवर्सिटी। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेकेंड पार्ट वीडियो के, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे हम। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्लो हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बाय द एटमोस्फियरिक मॉइस्चर प्रोड्यूसेस व्हिच कंपाउंड। सो हम जेनॉन के फ्लोराइड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, जेनॉन एक नोबल गैस है जिसमें कि जो ओनली कंपाउंड फॉर्मेशन करता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फ्लोरीन एक हो सकता है एंड ऑक्सीजन हो सकता है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। उसी के साथ ही कंपाउंड फॉर्मेशन करता है जेनॉन। एंड इसका जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस में अगर हो रहा है, तो ये जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है वो हमको फॉर्मेशन करके देता है जेनॉन ट्राइऑक्साइड। इसमें कैसे होता है प्रोसेस? पहला होता है, सपोज हम वो फास्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं 1 मोल ऑफ H2O देखे, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट देता है जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड HCOF4। ये फर्दर हाइड्रोलिसिस पे जाता है एंड ये फर्दर हाइड्रोलिसिस करके HZO2F2 फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली ये फर्दर फिर से हाइड्रोलिसिस होगा एंड HZO3 फॉर्मेशन करेगा। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन को देखेंगे तो ये जेनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है वो स्लो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में HZO3 कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। एंड जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विच इज HZO3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया है कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन गिव्स व्हिच प्रोडक्ट। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन क्या होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो एक सिलिकन है, दो अल्काइल ग्रुप है एंड दो क्लोरीन ग्रुप है। ये जो हाइड्रोलिसिस होता है, 2 मोल्स ऑफ H2O रिएक्ट करता है एंड 2 मोल्स ऑफ OH जुड़ता है यहाँ पे एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिमूव होता है। तो ये प्रोसेस फर्दर पॉलीमराइजेशन में जाता है एंड फाइनली हमको एक लीनियर सिलिकॉन मिलता है। कैसे मिलता है ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर हम 2 मोल्स ऑफ डाई अल्काइल SiOH होल्ड टू लेते हैं तो यहाँ से बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -H2, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है एंड ये पॉलीमराइजेशन के बाद ये OO लिंकेज में कन्वर्ट होता है एंड ये लीनियर सिलिकॉन का फॉर्मेशन करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका जो आंसर होगा हमारा होगा लीनियन सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमको पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट ओबे ईएएन रूल। ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, जहां पे कि ईएएन रूल के बारे में पूछा है। ईएएन रूल क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हमको कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी के ऊपर स्टेबिलिटी का भी नॉलेज मिलता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोई भी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला है EAN इक्वल टू Z माइनस X प्लस Y, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है उसमें जो सेंट्रल एटम रहेगा उसका एटॉमिक नंबर है Z। एंड नेक्स्ट जो X है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिला है हमको उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है एक्स। एंड जो वाई है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स जुड़े हुए लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल गेन करता है वो है हमारा वाई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो है CoEn3+, ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगा कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है। सेंट्रल मेटल एटम है मेरा कोबाल्ट एंड कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। सिमिलरली इस कॉम्प्लेक्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, क्योंकि EN इथिलीन डाइएमाइन जो है वो एक न्यूट्रल लिगंड होता है,
तो इसका न्यूट्रल लिगंड के वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है एंड ये टोटल कॉम्प्लेक्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थ्री होता है। तो जैसे कि फॉर्मूला में हम देखे हैं कि z माइनस एक्स प्लस वाई, सो z इक्वल टू हो गया 27 एंड 3 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ये माइनस हो गया। उसके बाद जो लिखा है वो है y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि ये जो इथिलीन डाइएमाइन है ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यानी जो लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, इसीलिए इसको बाइडेंटेड लिगांड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एक इथिलीन डाइएमाइन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कितना इथिलीन डाइएमाइन है, 3 इथिलीन डाइएमाइन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये देगा मेटल को, 3 × 4 = 12 इलेक्ट्रॉन्स देगा मेटल को। तो ओवरऑल मैं इसका ईएन वैल्यू देखूंगा तो ये 36 आ रहा है, एंड ईएन वैल्यू वही फॉलो करता है जो मेटल या फिर जो कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन का ईएन रूल होगा। अभी मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, देखो ये सब जीरो एलिमेंट है या फिर ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो ये जो कोबाल्ट है इसके नेक्स्ट नियरेस्ट गैस जो है वो 36 यानी कि क्रिप्टन के करीब है ये। तो ये ईएन रूल इसका मतलब फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स गिवन है उसमें जो ईएन वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू अगर हमारा नेक्स्ट नियरेस्ट गैस या फिर नेक्स्ट नियरेस्ट गैस ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम होगा तब वो ईएन रूल फॉलो करेगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें जो कॉम्प्लेक्स गिवन है AgNH3 whole 4 plus, अच्छे से देखिए कंपाउंड को। यहाँ पे सिल्वर जो है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47 एंड इसमें देखिए NH3 एक न्यूट्रल लिगंड होता है एंड ये NH3 क्या करता है, एक लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है एंड ये टोटल कॉम्प्लेक्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। तो इसमें मैं जो x का वैल्यू जो है वो 1 पुट किया हूं एंड z का वैल्यू, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, टोटल 4 नाइट्रोजन है, 4 × 2 यानी कि 4 NH3 प्रेजेंट है, एक NH3 दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ओवरऑल इसका EAN वैल्यू में निकालूंगा तो 54। अभी देखिए ये जो सिल्वर है ये नेक्स्ट नोबल गैस जेनन के करीब है, इसका मतलब ये भी EAN रूल सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखिए, सी ऑप्शन में जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो है प्लैटिनम NH3 whole 6 4 plus, यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है वो प्लैटिनम है एंड प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78 एंड जो लिगंड कनेक्टेड है इसके साथ वो एक न्यूट्रल लिगंड है एंड टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा तो वो +4 है। अभी क्या होगा फॉर्मूला पे अगर जाएंगे ईएन का, तो एटॉमिक नंबर हो गया 78 एंड ऑक्सीडेशन इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 सब्सट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद NH3 जैसे कि हम पहले डिस्कस किए थे ये एक न्यूट्रल लिगंड है एंड ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी कि 1 लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पे हमारा कितना 6 लिगंड है, तो ये 6 लिगंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 86। अगर हम 86 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 86 होता है रेडन का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स जो है सी कॉम्प्लेक्स भी मेरा ईएन रूल को फॉलो करता है एंड जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है वो है PtNH3 whole 2 Cl2। इसमें क्या है प्लैटिनम प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 78। सिमिलरली यहाँ पे दो NH3 ग्रुप है, ओवरऑल हम देखेंगे इसका अभी कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है अगर मैं निकालूंगा तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ये 0 है माइनस प्लस ये है 2 × −1 क्योंकि क्लोरीन जो है उसका चार्ज रहता है -1। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा वो +2 चार्ज आएगा यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो मैं अभी निकालूंगा इसका ईएन वैल्यू, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया 78, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2 यहाँ पे एंड दो NH3 जो है, दो NH3 एक लोन पेयर, एक NH3 एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दो NH3 दो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 + 2 × 1 यानी कि फ्लोरिन जो है वो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये आ जाएगा 2 × 1। तो इसका अगर मैं ईएन वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 82। बट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 82 कोई भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ईएन रूल फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमको ये पूछा है, Which of the following molecules will react with Br2? And options दिया है cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane and cyclohexane।
एक बात बोलूंगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो साइक्लोब्यूटेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन आएगा। साइक्लोप्रोपेन क्या है, देखिए ये थ्री मेंबर का साइक्लिक रिंग को बोला जाता है साइक्लोप्रोपेन, एंड ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके हमको ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। एंड ये क्यों कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, बाकी सब क्यों नहीं करता है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय एंगल स्ट्रेन थ्योरी और बेयर स्ट्रेन थ्योरी। इस कंपाउंड में बहुत ही ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये एंगल जो है वो है 60 डिग्री, बट ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को 109 डिग्री एंड 28 मिनट होना चाहिए, बट ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, इसीलिए इस कंपाउंड में स्ट्रेन ज्यादा है, तो इसीलिए ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ ताकि अपना स्ट्रेन को लूज कर पाए, एंड ये फॉर्मेशन करता है ये कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट जो है 20 नंबर क्वेश्चन हमको ये पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव प्राइमरी अल्कोहल ओपन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कोई भी कंपाउंड सपोज मैं ए लिया, वो कंपाउंड रिएक्ट करता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। एंड ऑप्शन जो दिया है वो दिया है हमारा प्रोपाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल फॉर्मेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात बोलूंगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो रिएक्ट करता है आइदर हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, उसके साथ रिएक्ट करके वो अल्कोहल फॉर्मेशन करता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में दिया है। तो और एक बात बोलूंगा, हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इपोक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे दो इपोक्साइड दिख रहा है हमको, प्रोपाइलिन ऑक्साइड है एंड इथाइलिन ऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो इथाइलिन ऑक्साइड है। ये है इथाइलिन ऑक्साइड का फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम। तो ये इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। यहाँ पे पता है कि मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है एंड CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये CH3 अटैक करता है इस कार्बन पे, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है। अभी देखिए क्या हो रहा है, तो ये बॉन्ड मूव करने के बाद मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आ जाएगा मिथाइल, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा ओ माइनस, फिर ये ओ माइनस के साथ यहाँ पे MgBr लग जाएगा, MgBr ये फर्दर अगर वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, जो कि हमको दिख रहा है एक प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन, 3-methyl-2-pentene कैन बी सिंथेसाइज्ड वाया विटिग रिएक्शन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले उल्टिग रिएक्शन क्या होता है ये बोल रहा हूँ। उल्टिग रिएक्शन क्या होता है, एनी कंपाउंड हैविंग कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है जो रिएक्ट करता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिनियम अल्काइल के साथ, इसके साथ रिएक्ट करता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फॉस्फिनियम इलाइड भी बोलते हैं इसको, फॉस्फिनियम इलाइड के साथ रिएक्ट करके एल्किन का फॉर्मेशन देता है, ये होता है उल्टिग रिएक्शन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है एसीटोन CH3CH2, ऑप्शन देख लेना आप एक बार। एंड ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 2-butanone with CH3CH3PS3। इसको मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक बार दिखा रहा हूँ इसको, देखिए आप 2-butanone, पहले 2-butanone रिएक्ट करता है फॉस्फिनियम इलाइड के साथ एंड ये कंपाउंड फॉर्मेशन होता है 3-methyl-2-pentene जो है वो फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे सर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, दिस इज योर 2-butanone, दिस इज योर 2-butanone, ये अगर रिएक्ट करेगा मेरा किस कंपाउंड के साथ, ये रिएक्ट कर रहा है CH3CH double bond PPS3। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है ये जो PPS3 इस ऑक्सीजन को लेके चला जाता है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ PPS3 डबल बॉन्ड इस फॉर्म में लेके रिमूव हो जाते हैं। बाकी क्या करोगे, ये जो अल्काइल है इसको यहाँ पे लगा दो, तो कंपाउंड क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 एंड यहाँ पे है CH2 CH3। इस कंपाउंड का नेमिंग इम्पोर्टेंट है, नेमिंग को एक बार देखिए आप सब। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया मेरा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया, एंड मैं अगर नंबरिंग करूंगा ये हो गया 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया 3-methyl-pentene या फिर जो कंपाउंड गिवन है 3-methyl-2-pentene ये प्रोडक्ट मिलेगा हमको।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है हमको कि नाइट्रोजामाइन विल बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोस एसिड विथ व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन। सो मैं यहाँ पे एक बोलूंगा कि नाइट्रोजामाइन जो होता है, नाइट्रोजामाइन जो होता है वो रिएक्ट करता है ओनली सेकेंडरी एमाइन के साथ, एंड नाइट्रोजामाइन जो फॉर्मेशन होगा वो ओनली फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी एमाइन के साथ रिएक्ट करके। तो जो ऑप्शंस है वो है इथाइल एमाइन, ट्राई इथाइल एमाइन, डाई इथाइल एमाइन एंड आइसोप्रोपाइल एमाइन। उसका मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा यहाँ पे, ये है इथाइल एमाइन, ये है ट्राई इथाइल एमाइन, ये है डाई इथाइल एमाइन एंड ये है हमारा आइसोप्रोपाइल एमाइन। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है इथाइल एमाइन, ये देखेंगे हम यहाँ पे ये प्राइमरी हो है तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये है ट्राई, ये टर्शियरी है तो ये भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। जो सी ऑप्शन है वो है, जो सी ऑप्शन है वो है डाई इथाइल एमाइन। तो डाई इथाइल एमाइन हम यहाँ पे देखेंगे ये जो नाइट्रोजन है ये सेकेंडरी है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री एमाइन ये रिएक्ट करेगा तो ये नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड के साथ, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन देगा नाइट्रोजामाइन। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड जो डी ऑप्शन दिया है वो है आइसोप्रोपाइल एमाइन। आइसोप्रोपाइल एमाइन नहीं होगा, ये भी एक प्राइमरी एमाइन है, इसको देख के हम यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से पूछा है क्विनोलिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय व्हिच प्रोसेस, फिशर सिंथेसिस, बी ऑप्शन स्कैरोक सिंथेसिस, बिशल नेपुलर सिंथेसिस एंड कोरीहाउस सिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा स्कैरोक सिंथेसिस, एंड स्कैरोक सिंथेसिस में क्विनोलिन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक हम एमीन ग्रुप लेते हैं जो एल्कोहल एंड नाइट्रो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, एंड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हमारा क्विनोलिन। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊंगा तो ये है क्विनोलिन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड ये दोनों बेंजीन रिंग। एरोमेटिक होता है ये कंपाउंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंपाउंड जो है वो है एरोमेटिक होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमको पूछा है कि इरिवर्सिबल प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स कॉज्ड बाय हीटिंग इज कॉल्ड, ए ऑप्शन इज पॉलीमराइजेशन, बी ऑप्शन इज इन्वर्जन, सी ऑप्शन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डी ऑप्शन इज डीनेचुरेशन। ये हमारा क्वेश्चन है जो है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोटीन से, ये वाला क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डीनेचुरेशन। डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स के साथ, बायोमोलिक्यूल के साथ रिलेट कर सकते हैं हम इसको। ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंड प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज योर पाइरुवेज, लैक्टेज, एसिटिल कोएंजाइम एंड ऑक्सालेट एसिटेट। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पाइरुवेज, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जब होता है ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो एक होता है पाइरुवेज एंड होता है एक NADH एंड होता है एक NADH एंड इसके साथ दो मोल्स ऑफ ATP। NADH क्या होता है, निकोटिनामाइन एडेनाइड डाइनिक्लोटाइड हाइड्राइड ये मिलता है, एंड ATP होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जब ग्लाइकोलिसिस ब्रेक करता है इसके एंड में मेरे को ये तीन प्रोडक्ट मिलता है जो कि ऑप्शन में हमको डायरेक्टली गिवन है पाइरुवेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पाइरुवेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि संबलपुर यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, इसमें से क्वेश्चन लेगा ही लेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में, इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल बी टेक्स प्लेस एट हायर वेवलेंथ। क्वेश्चन को देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल के साथ रिलेट किया है वो वेवलेंथ को, एंड हमको एनर्जी वेवलेंथ का रिलेशन पहले से ही पता है, उसको हम रिलेट करके देखेंगे। यहाँ पे ट्रांजिशंस दिए है तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ट्रांजिशन जो होता है वो ऐसा होता है सिग्मा पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार, एंड 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल होता है। क्या क्या होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। एंड मैं अगर एनर्जी लेवल की बात करूंगा तो यहां से नीचे आने पर एनर्जी डिक्रीज करता है, यानी कि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, एंड एनर्जी सबसे ज्यादा मतलब एनर्जी एंड वेवलेंथ के बीच में हमको रिलेशन पता है कि E इज इक्वल टू H न्यू फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये बता रहा है कि
जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा एच, एंड जो न्यू होता है वो होता है सी बाय लैम्डा। यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ। तो हमको यहाँ पे पूछा है कि वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ में कौन मिलेगा, तो एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एनर्जी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अगर एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से इसका एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब इसका वेवलेंथ जो होगा वो बहुत ही लेस होगा वेवलेंथ। एंड जैसे ही हम मूव करेंगे नीचे मूव करने से एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं परफेक्ट वैल्यू भी बताऊंगा इस इन दोनों का नियर, ये लेस देन होता है 200 नैनोमीटर के करीब, एंड ये होता है, ये दोनों जो होता है ये होता है ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर, और बोल सकते हैं 400 to 800 नैनोमीटर के करीब। तो ये जो होता है मैक्सिमम वेवलेंथ दिखाई देता है N2 pi स्टार, जो कि 800 नैनोमीटर के करीब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है N2 pi स्टार ट्रांजिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री से भी बोल सकते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरली टू टाइप्स का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बात करेंगे। मैं पहले ये बता दूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो देखते हैं जो एल्किन्स होते हैं वो जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एंड कौन से कंडीशन पे शो करेंगे, इसमें जो ग्रुप लगा रहेगा ए बी वो इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर किसी भी एल्किन में ये कार्बन के दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों डिफरेंट है, इस साइड में भी दोनों डिफरेंट है, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, ये ऑप्शन नंबर ए दिया है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीस ट्रांस हो सकता है, ई जेड हो सकता है, सीन एंटी हो सकता है, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर में बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स दिया है, फर्स्ट कंपाउंड नंबर ए दिया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ए है, ये बी है, दोनों डिफरेंट है, इस साइड में भी ये दोनों डिफरेंट है, सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन क्वेश्चन हमको पूछा है नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड कॉम्प्लेक्स के बारे में बोल रहा हूँ, सेकेंड कॉम्प्लेक्स दिया है CH3CH3HHC। तो इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, देखिए ये जो दोनों कंपाउंड है, ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम हो गया है, एंड मैं कंडीशन क्या बताऊं, ये दोनों मस्ट बी डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तभी ये शो करेगा। तो ये क्वेश्चन में क्या है, दोनों सेम हो गए, यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, यानी कि क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये नहीं हो सकता। सिमिलरली देखिए ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट क्वेश्चन में पूछा है नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो द करेक्ट आंसर इज बी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन विल प्रोड्यूस, ऑप्शन दिया है मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड, बी ऑप्शन दिया है मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड, मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन दिखा के बता रहा हूँ आपको कि ओजोनोलिसिस कैसे होता है। ये दिया है प्रोपीन का, तो ये हो गया प्रोपीन, प्रोपीन को जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे O3 देंगे एंड जिंक मेटल देंगे यहाँ पे, तो ओजोनोलिसिस में एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन जुड़ता है, एंड यहाँ से ये ब्रेक होता है, तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। दोनों का अगर मैं लिखूंगा तो ये एक मिलेगा मेरे को एंड ये एक मिलेगा, तो ये जो कंपाउंड मिलेगा ये कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड, एंड जो सेकेंड कंपाउंड है वो है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है, इन द चेन लेंथनिंग किलानी फिशर सिंथेसिस व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यू कार्बन एटम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करता है ये। कार्बोहाइड्रेट में जब हमको रिंग एक्सपांशन करना रहता है, या रिंग एक्सपांशन नहीं बोलके मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर कार्बन चेन कार्बन नंबर इंक्रीज करना रहेगा, तब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज किलानी फिशर रिएक्शन और किलानी फिशर सिंथेसिस।
तो इस हमको पूछा है कौन सा सोर्स न्यू कार्बन के लिए, जो न्यू कार्बन ऐड होता है उस कार्बन को हम कौन सा सोर्स से लेंगे। ऑप्शन दिया है HCN, फॉर्मल्डिहाइड, CH3Br एंड CH3 होल टू CuLi। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज HCN। मैं ये भी बोल देता हूँ कि किल्याने फिशर सिंथेसिस में क्या क्या यूज करते हैं। किल्याने फिशर सिंथेसिस में हम HCN यूज करते हैं, H2PdBaSO4, जिसको मैं बोलता हूँ रोजेनमुंड रिएजेंट भी बोल सकता हूँ, ये रोजेनमुंड रिएजेंट होता है। एंड इसके साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, H+H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन नंबर इंक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइड्रोजन सियानाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनिशिएट ए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल को रिएक्ट किया है, फ्री रेडिकल इनिशिएशन के बारे में पूछा है। तो मैं एक बात बोलूंगा, फ्री रेडिकल कैसे फॉर्मेशन होता है, जनरली लाइट के प्रेजेंस में या फिर हम बोल सकते हैं हीट के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है, थालिक एसिड, बेंजोइल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइल पेरोक्साइड। जो ऑप्शंस है मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। कंपाउंड पे मैं दिखा दे रहा हूँ बेंजोइल पेरोक्साइड कैसे होता है। दो बेंजीन रिंग होता है मेरा यहाँ पे, एंड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ, एंड ये डायरेक्टली लिंक है फिर से बेंजीन लिंक के साथ। ये है बेंजोइल पेरोक्साइड, एंड यहाँ पे लिंकेज भी दिख रहा है, ये ओओ का लिंकेज, ये O2 2- होता है, O2 2- होता है। ये जो लिंकेज होता है इसको बोला जाता है पेरोक्साइड लिंकेज बोला जाता है इसको। एंड ये पेरोक्साइड लिंकेज जब टूटता है ये क्या करता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करता है। इसमें फ्री रेडिकल को भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कैसे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है दैट इज यहाँ पे ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, एंड ये ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 2 मोल्स मिलेगा इस कंपाउंड से मेरे को। सो जो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेंजोइल पेरोक्साइड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे हम ये खत्म किए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों केम विजुअल क्लासेस में संबलपुर यूनिवर्सिटी का MSc एंट्रेंस 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स पे इसका रिप्लाई करके बताइए। एंड अगर आपको कुछ नया जरूरत है वीडियो और संबलपुर यूनिवर्सिटी का जैसे है दूसरे यूनिवर्सिटी का, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। एंड एक बात बोल रहा हूँ कि इस वीडियो का जो क्वेश्चन है, इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए संबलपुर यूनिवर्सिटी का, उसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हम टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे देंगे जिसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।